हेलो फ्रेंड्स, SMIL स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज अपन करोड़पति जो अभी जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन फ्यूचर वो अपन को करोड़पति बना सकते हैं। मैं वैसे 3-4 शेयर बताऊंगा आपको, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टॉक्स है रिलैक्सो फुटवेयर। आप देखेंगे तो मोनोपोली इन्जॉय करते हैं ये और बाटा। तो क्योंकि फुटवेयर में अपने इंडिया में सिर्फ दो ही मेन हैं, जो बाटा और फुटवेयर, इन दोनों का मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है। तो अभी रिलैक्सो का अच्छा खासा आ रहा है। डेली आप देखेंगे 5 डेज में करीबन 5% के रिटर्न है, वन मंथ में 6% के रिटर्न करीब अप्रॉक्स है, 6 मंथ में आप देख सकते 50% का रिटर्न दिए हैं। इस साल की बात कर लेते हैं तो 43% अप्रॉक्स, और वन ईयर में तो अच्छा दिया होगा, 87% दिया है, और मैक्स 5 ईयर भी देख लेते हैं अपन इसका, और शेयर मार्क इसका 375% के रिटर्न दिए हैं 5 ईयर में, और मैक्सिमम भी देख लेते हैं, मैक्सिमम इसने 80,000 के रिटर्न दिए हैं, बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं, और ये मोनोपोली इन्जॉय करता है। और ये शेयर ऐसा है कि अच्छा, अभी खासकर अभी जब से लॉकडाउन हुआ इसके बाद से अच्छा और ख़ास मोनोपोली इन्जॉय कर रहा है, क्योंकि बाटा को भी बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है। अभी बाटा से ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल हो गया है, बट इसमें थोड़ा सा रहता है, इस कभी कभी बीच बीच में स्लो चलता है, ज़्यादा स्लो नहीं चलता है, कभी जैसे अभी नॉर्मल स्लो चलता है, फिर एकदम से जंप दिखाता है। जैसे अभी अपन देखेंगे इसका, ये देखिए 10% की गिरावट अपनी हाई से, नॉर्मल चलती रहती है, बट जब इसका भागता है शेयर तो अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखिए एक बार में 26% के रिटर्न दे दिए सिर्फ 17 डेज़ के अंदर, और मैं अभी देखने मई से देख रहा हूँ, अभी तक तो 32% के रिटर्न है। बहुत शानदार स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और आप इसका मार्केट कैपिटल भी देख सकते हैं 29.36% है। तो फ्रेंड्स अपन आ गए हैं, अब इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अपन को और भी शेयर देखने हैं। तो अपन इसका रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू भी अच्छा खास वीश लेफ्ट टू राइट है, अच्छा है, और इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, बढ़ता ही जा रहा है, वी शेप रिकवरी है। तो ये क्वार्टर जून क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हुआ था क्योंकि कोविड का था इफेक्ट था, बट अभी रिकवर अच्छा कर लिया है, वी शेप रिकवरी करी कंपनी ने। EPS भी देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट ही बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छा शेयर है। प्लस अपन बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी एक बार, तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं आप इसके, कंटिन्यू रिजर्व भी अच्छे बढ़ रहे हैं, 1,247 हुआ है, और अभी अपन इसका एडसेट देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास 71% के शेयर हैं, और इसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। अभी 70.92 अप्रॉक्स अपन बोल सकते हैं 70% के शेयर हैं सेम, और इसका FIS के भी देख सकते हैं, वो भी बढ़ा दिया अपने स्टॉक 3 से 4% कर दिया। DS ने भी अपना स्टॉक बढ़ा दिया, 0.5% की ग्रोथ दिखाई है। पब्लिक ने घर घटाई है 1.5% की, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अपने इसके कंपनी के कॉम्पिटिटर देख लेते हैं, बाटा इंडिया लिमिटेड, अभी मैं इसके बाद इसी में बनाऊंगा। तो इसका मार्केट कैपिटल देख लीजिए आप, 29395 है, और इसका है बाटा का है 20949। तो आप देख सकते हैं कि बाटा को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, और मिर्ज़ा इंटरनेशनल, खादिम और लिबर्टी, ये ठीक ठाक ही स्टॉक है, इतने रिटर्न नहीं देते हैं, ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के स्टॉक होते हैं अधिकतर। लिबर्टी तो मैं 3 ईयर्स से देख रहा हूँ तो सेम रेंज में घूम रहा है, 200 के अंदर ही अंदर है, बट खादिम ने अभी 1 मंथ से अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, बट वो इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि अभी अभी लिस्टिंग हुई है खादिम की। तो अपन चलते हैं अब बाटा का भी देख लेते हैं कि बाटा कैसा स्टॉक है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स अपन आ गए हैं बाटा इंडिया लिमिटेड में। बाटा इंडिया लिमिटेड अभी 1300 रुपये के आसपास तक गया था, क्योंकि उसका कोई MD नहीं था, बट अभी फ़िलहाल ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO ने ज्वाइन किया है बाटा इंडिया लिमिटेड, तो देन उनके कारण बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, जैसे ही उनका नाम आया। तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ में आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत नीचे तक गया था, ये देखिए
ये 1300 मई में देखिए, 1300 समथिंग मैंने देखा था, 1297, ये जस्ट अभी की बात है मई में। और उसके बाद जैसी उनकी न्यूज़ आई है, ये करीबन 10 अप्रैल के नहीं 10 मई के आसपास की न्यूज़ है कि उनने नया सीईओ ने ज्वाइन किया है, तो उसके बाद 25% के रिटर्न दे चुका है। बट कंपनी अभी थोड़ा सा वो कर रही है, क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन है थोड़ा सा इसका तक रिटर्न नहीं दिए हैं। लास्ट अपन मैक्सिमम 1 ईयर के भी देखेंगे आप, तो इतने खास रिटर्न नहीं दिए, 25% दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो डाउन होकर अप गया है। तो आप इसके देखेंगे 5 ईयर में 200% के रिटर्न दिए हैं, और मैक्सिमम देख लेंगे तो इसने 1775 के दिए हैं रिटर्न अपन को। तो अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं, बाटा और रिलैक्सो में आपको कौन सा बेस्ट शेयर है। तो फ्रेंड्स, रेड वाला रिलैक्सो है, ब्लू वाला बाटा इंडिया लिमिटेड है। तो अपन इनका 3 मंथ्स का देख रहे हैं, तो 3 मंथ्स में रिलैक्सो ने 34% के रिटर्न दिए हैं, और वहीं पे बाटा ने 16% के रिटर्न दिए हैं। और अपन इनका 6 मंथ का भी देख लेते हैं, 6 मंथ में भी आप देख सकते हैं कि रिलैक्सो ने 47% के रिटर्न दिए और बाटा ने ओनली 3% के दिए। बट फंडामेंटल दोनों स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ये मत सुनिए दोनों में मोनोपोली इन्जॉय करते हैं, और मोनोपोली इन्जॉय करते हैं मतलब इनके अलावा इंडिया में अभी तक कोई भी अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं है इनके। और इनका अपन 6 मंथ का भी देख लेते हैं, 6 मंथ में भी देखिए बाटा ने, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फ़ोन आ गया था, कोई ना। 1 ईयर की भी आप देख सकते हैं, 1 ईयर में भी करीब इसने एक प्रकार से पैसा डबल कर दिया 1 ईयर में, और बाटा ने सिर्फ 25 के रिटर्न दिए। और अपन एक बार फाइनल ये मैक्सिमम 5 ईयर का भी देख लेते हैं, 5 ईयर में भी देख सकते हैं 387% के अप्रोक्स जितने बाटा ने रिटर्न दिए हैं उससे डबल तो उसने दे दिए हैं रिलैक्सो ने, अप्रोक्सली 400% के रिटर्न दिए। और मैक्सिमम भी अब जब जाता ये है तो मैक्सिमम भी रिलैक्सो ही होगा, तो रिलैक्सो ने 9000% के रिटर्न दिए हैं और बाटा ने 517% के रिटर्न दिए। तो दोनों ही शेयर बहुत अच्छे हैं, आप दोनों के साथ चल सकते हैं। कभी भी बाय करिए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके बाय करिए, इकट्ठा एक बार में इन्वेस्टमेंट ना करिए। स्टार्टिंग 2-3 शेयर जितने भी आपके पास, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्समेंट में करिए, कि जैसे अभी बाटा इंडिया लिमिटेड रिटर्न नहीं दे रहा है, इन फ्यूचर बाटा इंडिया लिमिटेड भी रिटर्न आपको बहुत अच्छे ही दे सकता है। जैसे रिलैक्सो दे रहा है, वैसे बाटा के भी बहुत सारे स्टोर ओपन हो रहे हैं फिलहाल, उनके 1800 स्टोर के वो कहा है इनके सीईओ ने, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। और मैं थर्ड शेयर की बात करूँगा, एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, FMCG का स्टॉक है। और इनके साथ ये है कि ये भी एक मोनोपोली इन्जॉय करते हैं, कि इनका कॉम्पिटिटर बहुत ही कमज़ोर हैं और अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 ईयर के अप्रॉक्स हुआ इनको टाइम, ये 2017 से हुए थे, अभी 4 ईयर ही हुए अप्रॉक्स। और इनने अभी देखिए 437% के रिटर्न दे दिए, 5 डेज में भी देखिए 1% के अप्रॉक्स दिए, 1 मंथ में अच्छा खासा दिया वो 10% के रिटर्न दे दिए, 6 मंथ में 23%, मतलब कंपनी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और अब एक चीज़ आएंगे कि इसने अभी अपने आप को नेट डेट फ्री भी कर लिया है, और और इस अभी ये निफ्टी 50 का भी पार्ट बन सकता है, सिर्फ अगस्त में FNO की मीटिंग है, तो FNO में अगर ये आ जाता है तो इसके 100% चांस है कि ये निफ्टी 50 में ऐड होगा। और निफ्टी 50 में ऐड होगा तो इसका आप समझ के जाइए, इसका 5000 का भी टारगेट ये सिर्फ 1 ईयर के अंदर अंदर ऐड कर लेगा, अगर सितंबर में ये निफ्टी 50 में ऐड हो जाता है इसके। और Naukri.com के बहुत ज़्यादा चांस है निफ्टी 50 में ऐड होने के लिए, बट मेरा कंपेयर है कि निफ्टी 50 में अच्छा रिटर्न एवेन्यू सुपरमार्ट दे सकता है, क्योंकि FMCG बिज़नेस जो ऐसा बिज़नेस है, अगर लॉकडाउन भी लगता है तो इनका बिज़नेस बंद नहीं होता, इनका बिज़नेस हमेशा ही चलता रहता है। और ये खासकर इनका ये बेनिफिट रहता है कि ये रेंट नहीं देते हैं, ये जो भी प्रॉपर्टी है वो परचेज कर लेते हैं। अभी आपने सुना भी होगा मुंबई में इनने और इनके ब्रदर ने 2000 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बाय करी है, बहुत सारे स्टोर ऐड ऑन कर रहे हैं इंडिया में ये, तो आप इन इसमें भी नज़र रख सकते हैं। आप मैं इनकी एक मिनट बैलेंस शीट दिखा देता हूँ मनी कंट्रोल में। अब अपन कंपनी का रेवेन्यू भी देख लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू 6255 था, लॉकडाउन के टाइम इसका कम हो गया था थोड़ा सा, फिर उसके कंपनी ने रिकवरी दिखाई लेफ्ट टू राइट। आप इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा शानदार है, इस बार थोड़ा सा कम है बट अच्छा है,
क्वार्टर वाइज अपन को देखना रहता है मेन, तो क्वार्टर वाइज तो जंप है ही, बट नहीं ईयरली वाइज जंप है, क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा डाउन है, बट चलता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और ईपीएस भी देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर भी इनका अच्छा है 6.39। और इनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार अपन कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। रिज़र्व देख सकते हैं, क्या शानदार रिज़र्व है इनके, 4-5,000 के थे, फिर 10,000 के हो गए, अभी 11,500 के हो गए, खास बढ़ते ही जा रहा है। इनके करेंट एसेट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रमोटर, अच्छा इसकी एक चीज़ खास बात है कि प्रमोटर जो है 75% का रेशो पकड़ के चले। अभी तक जब इनका वो भी हुआ था तो इनने बहुत संभल के बेचे थे शेयर, और 1900 के अप्रॉक्स बेचे थे, तो तुरंत इसने अपना रिकवरी भी कर लिया था। अपन FIS की भी देख लेते हैं, होल्डिंग उनकी भी 10% की है। DIS की देख लेते हैं, DIS की होल्डिंग 7% अप्रॉक्स है। पब्लिक के पास अच्छी होल्डिंग है 8% की। इनका कॉम्पिटिटर देख लेते हैं, ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स भी बहुत अच्छा शेयर है। आदित्य बिरला फैशन तो अभी इतना खास नहीं है मार्केट कैपिटल, बट आप इन सब का कैपिटल देखिए, सबसे टॉप कंपनी है अपने सेक्टर की। वी मार्ट भी है, फ्यूचर रिटेल है, बट सबसे खास बात उसका मार्केट कैपिटल देखिए 214759, मतलब 2,14,759 का है। बाकी ट्रेंड्स का भी आप देखेंगे, जो टाटा की आपने सुना होगा वेबसाइट है उसका है ट्रेंड्स, तो ये भी अच्छा स्टॉक है। तो MNA सुपर मार्ट भी आप बाय कर सकते हैं, अपनी स्टडी भी करिए बाय करने से पहले। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर और लाइक करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू एवरी मच, वी विल मीट अनदर वीडियो, थैंक यू।